मेरा अर्जेंट मैटर है जवाहरलाल नेहरू पोर्टर्स के प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए। सर सभी को मालूम है देश की हालत, आर्थिक हालत बहुत गंभीर है। नोटबंदी के बाद कोरोना का संकट है। अब स्थिति ऐसी है कि हमारी जीडीपी और हमारा आरबीआई भी कंगाल हो चुका है। ऐसे में हमने सरकार ने रेलवे, एयर इंडिया, LIC सब कुछ बेचने के लिए बाजार में लाया है। बहुत बड़ा सेल लगा है। अब इस सेल में जवाहरलाल नेहरू पोर्टर्स को भी खड़ा कर दिया है। सरकार JNPT पोर्ट को निजी हाथों में देने के बारे में सोच रहा है। सर JNPT विश्व में 27वां सबसे बड़ा पोर्ट है जो भारत सरकार को 30% से ज्यादा मुनाफा कमा कर देता है। ऐसे महत्वपूर्ण पोर्ट को अगर प्राइवेट हाथों में देना, ये देश की राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी पोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। वॉर पीरियड में नेवी के बाद ये पोर्ट का इस्तेमाल आर्म्स और वेपन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। JNPT के प्राइवेटाइजेशन के बाद 7,000 एकड़ जमीन जो बहुत ही वैल्यूएबल है, ये प्राइवेट हाथों में चले जाएगी। JNPT बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट देता है और जब उसका निजीकरण होगा तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट की छटनी होगी। तो मेरा मानना है कि सरकार ने JNPT को प्राइवेटाइज होने से रोकना चाहिए और राष्ट्रीय संपत्ति और सुरक्षा का और कामगारों के हितों का रक्षा करना चाहिए।